नमस्कार बच्चों, कल हमने कबीर के रहस्यवाद पर चर्चा की थी, जिसमें भारतीय और पश्चिमी अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई रहस्यवाद की परिभाषा के माध्यम से सबसे पहले हमने रहस्यवाद के को समझा। भारतीय विद्वानों में प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन हमने किया था। और सारी परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि रहस्यवाद आत्मा का, साधक की जो आत्मा है उसके परमात्मा के से मिलन, उसके प्रति जो अनुभूति है उस अनुभूति को अभिव्यक्ति, उस अनुभूति की अभिव्यक्ति ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। फिर उसके बाद में कबीर के काव्य में रहस्यवाद के तत्वों पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत चार प्रमुख तत्वों को हमने लिया, आस्तिकता, भावना, गुरु तथा मार्ग। कल हमने आस्तिकता पर चर्चा की कि आस्तिकता ही प्रेम की उर्वरा भूमि है और कबीर के रहस्यवाद में ईश्वर पर उनका दृढ़ विश्वास, उसकी सर्वव्यापकता पर विश्वास, उसके सर्वांतर्यामी पर विश्वास होने पर के मत पर हमने चर्चा की थी। दूसरा बिंदु है प्रेम भावना। आज हम प्रेम भावना पर बात करेंगे और अन्य दो बिंदु हैं उन पर भी। कबीर की ये आस्तिकता प्रेम भावना की जननी है। उनके अनुसार जिसके हृदय में न प्रेम है वो न प्रेमानंद, और न जिनकी वाणी राम नाम का उच्चारण करती है वे मनुष्य तो इस संसार में व्यर्थ ही आए और व्यर्थ ही नष्ट हो गए। क्योंकि प्रेम ही इस संसार का सारभूत तत्व है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से ही नहीं मिलाता, बल्कि प्रत्येक प्राणी मात्र में प्रेम के वशीभूत होकर ही हम प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परम सत्ता का दिग्दर्शन करते हैं। उदाहरण देखिए, जिहि कट प्रीति न प्रेम रस, पूरी रसना नहीं राम, तेनर इस संसार में उपजे भय बेकाम। कि जिनके हृदय में न तो प्रेम का भाव है न प्रेम का रस है, और जिनकी जिह्वा पर कभी भी उस निर्गुण निराकार राम का नाम नहीं आता, कबीर कहते हैं वो व्यक्ति संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ, व्यर्थ ही उसने अपना जन्म लिया और उस जन्म को व्यर्थ ही गंवा दिया। कबीर प्रेम के कारण ही राम के बिना अपने को असहाय अनुभव करते हैं। कबीरा प्रेम की कूल धरई, हमारे राम बिनु न सरई। कि भगवान राम जो है, दशरथ पुत्र राम नहीं, निर्गुण निराकार राम, उनके बिना कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा तो एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके बिना वे एक वेदना अनुभव करते हैं, दिन का आराम और रात की नींद खो बैठते हैं। तल्फे बिन बालम मोरा जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के घोर किया। ये एक साधक की आत्मा से परमात्मा के मिलन की व्याकुलता है। अपने इस प्रेतम को कबीर अपने तन मन में विद्यमान कर उसे पाती लिखने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। ये सांसारिक एक प्रक्रिया है कि जब भी कोई हमारा निकटस्थ प्रियजन हमसे दूर होता है तो अपने कुशल उस तक पहुंचाने और उसकी कुशल ज्ञात करने के लिए हम उसको संदेश भिजवाते हैं पत्र के माध्यम से। तो कबीर तो कहते हैं कि मेरा जो प्रियतम है, मेरा जो आराध्य है, वह ईश्वर मेरे हृदय में बसता है। तो उस ईश्वर जब मेरे हृदय में बसने वाली वो परम सत्ता हृदय में ही जब निवास कर रही है तो उसको पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है, उसे तो मेरा सब कुछ वैसे ही ज्ञात है। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं हो विदेश, तन में मन में नैन में ताको कह संदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा प्रियतम अगर परदेश जाकर निवास कर रहा होता तो उसको मैं कोई पत्र भेजता, चिट्ठी भेजता, लेकिन जो मेरे शरीर में, मेरे मन में और मेरे नेत्रों में अहर्निश निवास करता है उसको भला मैं क्या संदेश
भेजूं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां सब कुछ हर सांस सांस जो है वह ईश्वरमय उस परम सत्तामय हो जाती है। कबीर का मंतव्य है कि दो नौकाओं पर पांव रखने वाला व्यक्ति अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। भौतिक विषयासक्त व्यक्ति राम से प्रेम नहीं कर सकता और राम स्नेही की संसार में अनुरक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कहने में भी आता है कि दो नौकाओं की सवारी जो है वो सदा व्यक्ति को डुबो देती है। वही कबीर मानते भी हैं कि जो सांसारिक विषय वासनाओं से भोग विलास में जो व्यक्ति डूबा हुआ रहता है वह कभी भी राम से प्रेम नहीं कर सकता। और जो राम का स्नेह भाजन बन गया है, उनके प्रेम का पात्र बन गया है, वो सांसारिक विषय वासनाओं में कभी आकर्षित उनके प्रति हो ही नहीं सकता। जब लगी नाता जगत का तब लगी भक्ति न हो, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोई। कि इस संसार से जब तक किसी भी प्राणी मात्र का किसी भी प्रकार का कोई भौतिक आकर्षण उसके मन में है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति, उनकी साधना, उनकी आराधना, उनका स्मरण, उनका वंदन नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति इन सांसारिक मोह माया के विषय वासनाओं के भौतिक आकर्षणों के से मुक्त हो जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त कहलाता है। किंतु जागतिक प्रलोभनों पर, सांसारिक आकर्षणों पर विजय पा लेना सुगम नहीं है। कनक और कामिनी दुर्जय प्रलोभन है, कोई भाग्यवान ही इन प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर लक्ष्य सिद्धि करने में सफल हो पाता है। चलो चले सब कोई कहे, पहुंचे विरला कोई, एक कनक और कामिनी दुर्गम घाटी दो। कि उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन उस मार्ग पर आगे बढ़कर के उस परम सत्ता को, उस ईश्वर को प्राप्त करने वाला इस संसार में कोई विरला ही मनुष्य होता है, जो समस्त सांसारिक आकर्षणों से, भौतिक कामनाओं से, ऐशनाओं से, इच्छाओं से स्वयं को पूरी तरह मुक्त करके अपना सर्वस्व ईश्वर चरणों में समर्पित कर पाता है। कबीर आगे कहते हैं, एक कनक अरु कामिनी दुर्गम घाटी बोल, कि उस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के मार्ग के मध्य दो सबसे बड़ी दुर्गम घाटियां हैं। एक तो कनक से तात्पर्य भौतिक वस्तुओं का, सोने का ही नहीं, भौतिक वस्तुओं का, रुपए पैसे का लोभ लालच उसका आकर्षण, और दूसरा सुंदर स्त्री के सौंदर्य का मोहपाश। जो इन दो कामनाओं से स्वयं को मुक्त कर लेता है, इससे ऊपर उठ जाता है, उसको ईश्वर प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं लगती। पुत्र कलत्र लक्ष्मी को माया मानकर कबीर ने उसे महाठगनी, दुर्निवार, अत्याज्य तथा हरि भक्ति में बाधा डालने वाली कहा है, और इसके त्याग से ही हरि प्राप्ति सुलभ माना है। पुत्र कलत्र लक्ष्मी आईया इहै तजो जिए जाने रे, कहत कबीर सुनहु रे संत हूं, मिली है संसार सारंगी पानी रे। इस प्रकार कबीर ने शंकराचार्य के अनुसार ही माया का वर्णन किया है। शंकर के समानी इन्होंने समस्त जागतिक प्रलोभनों को माया का नाम दिया तथा उसे ब्रह्म के शक्ति के रूप में चित्रित किया। कबीर कहते हैं, राम तेरी माया द्वंद मचावे, हे प्रभु तुम्हारी माया है जो द्वंद मचाती, एक तरफ इस संसार की तरफ आकृष्ट करती है, दूसरी जो आत्मा है वह ईश्वर की तरफ आकृष्ट होती है।
कबीर दास ने ब्रह्म प्राप्ति के साधन पार्थिव और स्वर्गिक सुखभोगों के प्रति विरक्ति, नैतिक अनुशासन, नाम स्मरण एवं भगवत कृपा को माना है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बाह्याचारों, मिथ्या विश्वासों तथा अन्य रूढ़ परंपराओं पर तीव्र आघात किया है। वे तीर्थ यात्रा, नदी स्नान, जप तप, व्रत पूजा, शारीरिक एवं मानसिक योगाभ्यास को निरर्थक मानते हुए हृदय की शुद्धि को महत्व देते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म चतुराई का विषय कदापि नहीं, किया जपू, किया तपू, किया व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा, रे जनु मन माधव सीव लाइये, चतुराई न चतुर्भुज पाइये, कि उस परमात्मा को चतुराई से कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, न जप से, न तप से, न व्रत से, पूजा उसके लिए तो सरल, निश्चल, निष्कपट हृदय चाहिए। और जिसने अपने हृदय में सरलता, निश्चलता, निष्कपटता धारण कर ली, उसे सहज में ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। रोजा तथा नमाज में भी उनके आस्था इसलिए नहीं क्योंकि अपना पेट भरने के लिए कबीर जीव हत्या का विरोध करते हैं। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह रोजा यह बंदगी कैसी खुशी खुदाई। वो परम सत्ता जो है अपने ही द्वारा निर्मित प्राणी की हत्या से भला कैसे प्रसन्न हो सकता है। कभी इस सभी प्रकार के सांसारिक विषय सुखों तथा इच्छाओं के त्याग के समर्थक है। सुख सिंध की सैर का स्वाद तब पाई है, चाह का चौतरा भूल जाओ। सभी प्रकार के ऐशनाओं के त्याग के अतिरिक्त कबीर नैतिक अनुशासन के रूप में शील, संतोष और सत्य को अपनाने का अनुरोध करते हैं। जिसने अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में इन गुणों को ढाल लिया है, उसे सहज ही परमात्मा सुलभ हो जाता है। सील, संतोष, सदा सम दृष्टि, रहनी दहनी में पूरा, ताके दरस परस भय भाजई, होई कलेस सब दूरा। शील, संतोष और सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि, जब उसका हृदय प्रेम के भाव से परिपूर्ण हो जाता है तो सारे उसके ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं और उसके दर्शन और उसके स्पर्श मात्र से इस संसार के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, भक्त निर्भय हो जाता है। कबीर के अनुसार नाम स्मरण तो सर्वोत्तम रसायन है, जिसके रंच मात्र संचय से संपूर्ण शरीर स्वर्ण के समान विशुद्ध हो जाता है। सभी रसायन हम करी नहीं नाम संकोल, रंचक घर में संचरे सब तन कंचन हो। कि इस संसार के समस्त रसायन जो है, कबीरदास जी कहते हैं हमने उनको परख लिया अभी प्रकार, लेकिन राम नाम के स्मरण जैसा रसायन इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। जो रंच मात्र भी, जरा सा भी, अल्प मात्रा में जिसने अपने हृदय रूपी घर में इस राम नाम रूपी रसायन का संचय कर लिया, इसका शरीर तो कंचन के समान शुद्ध हो जाता। नाम स्मरण से कबीर का स्पष्ट अभिप्राय यंत्रवत नामोच्चारण न होकर मन का माला रूप धारण कर लेना, पूर्ण रूप से एकाग्र होकर, तन्मय होकर उस परम पिता से लौ लगाना है। सुमिरन सूरती लगाई गई, मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट हो। कि बाहर के जो दरवाजे हैं, द्वार है शरीर के, उनको बंद करके अपने हृदय का पट खोल ले, हृदय का द्वार खोल ले, परमात्मा सहज ही तेरे हृदय में प्रविष्ट हो जाए। कबीर साधक के यत्नशील होने पर भी लक्ष्य प्राप्ति ईश्वर कृपा भी मानते हैं, कि जब उस परमात्मा की इच्छा होगी सहज ही उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। सत्य यह है कि साधना भी ईश्वर कृपा से ही होती है, इसलिए कबीर का कथन है, साई सु
सब होत हैं, बंदे थे कछु नाही। राई ते पर्वत करे पर्वत राही समाए, कि उस स्वामी से ही संसार का प्रत्येक कार्य संपन्न होता है। उसका जो भक्त है, उसका जो साधक है, उसका जो आराधक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उस परमात्मा की शक्ति इतनी अपरंपार है, वो राई के अत्यंत लघु से कण से वो विशाल आकार का पर्वत कर दे और विशाल आकार के पर्वत को राई में समाहित कर दे। अपनी अभिष्ट प्राप्ति का सारा श्रेय भगवत कृपा को देते हुए कबीर कहते हैं, ना कछु किया न करी सक्या, ना करने जोग सरी। जो कुछ किया सो हरी किया, ताते भया कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो मैंने संसार में कुछ कर किया है, ना ही कर सका, ना कुछ करने योग्य मेरा ये शरीर है। जो कुछ किया वह उस परम परमात्मा ने किया और उन्हीं की कृपा दृष्टि प्राप्त होने के कारण कबीर कबीर बना है। आत्मश्लाघा का, आत्म प्रशंसा का, आत्म संतुष्टि का भाव उससे ऊपर जब एक भक्त उठ जाता है और अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में समर्पित कर देता है, तो सहज ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और यही समर्पण, यही प्रेम, यही संतुष्टि, यही शील और विनम्रता हमें कबीर के रहस्यवाद में दिखाई